हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। तो फ्रेंड्स, आज आम ए वीडियो रे डिस्कशन करिबा किछ मोस्ट इम्पोर्टेंट सुपर 50 करंट अफेयर्स उपरे, जहाँ कि आप मानकर पीईओ, जूनियर असिस्टेंट, हाईकोर्ट एएसओ, ओएवीएस एंड सीजीएल एग्जाम पे इम्पोर्टेंट रहिबो। ता सहित वर्तमान ओएसएससी कंबाइंड एग्जाम चली एग्जाम पे मध्य मोस्ट इम्पोर्टेंट रहिबो। एथरे 50 क्वेश्चन रही, आप आउट ऑफ 50 केते मार्क रखुचंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भावे जणाई पारिबे। तो फर्स्ट क्वेश्चन रही आप मानक पई, व्हिच अदर कंट्री हैज इंडिया रिसेंटली अलाउड टू ट्रेड इन इंडियन रूपी। से कहि जे को अन्य देश सहित इंडिया इंडियन रूपी रे ट्रेडिंग करिया पई अनुमति देछि। तो इंडियन रूपी रे ट्रेडिंग करिया पई इंडिया को देश को अनुमति देछि। तो ये आमर चारिटा ऑप्शन रही, तो ये आमर सठिक आंसर है जीव बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका एंड भूटान। भूटान ये चारिटा देश सहित, तो ये आमर ऑप्शन नंबर डी है जीव ऑल ऑफ द एबव। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका एंड भूटान सहित इंडिया इंडियन रूपी रे ट्रेडिंग करी पारिबो बा बिजनेस करी पारिबो। तो ऑप्शन नंबर डी होच करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी रो वर्तमान नुआ वाइस चीफ किए नियुक्ति होती, तो वाइस चीफ नियुक्ति होती संजय जसजीत सिंह। ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, हु ओन द ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स इन फॉर्मूला वन रेस 2023। तो 2023 रो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला वन रेस रो विजेता किए। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वर्स्टापेन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, व्हाट इज द करेन्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया एज ऑफ मार्च 2023। से कहि मार्च 2023 इंडियार अनएम्प्लॉयमेंट रेट बेरोजगारी दर केते परसेंट रही। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी, 7.8% रही। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, हु इज द करेंट चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल इन इंडिया। वर्तमान इंडियार जीएसटी काउंसिल रो चेयरमैन किए अछंती। तो चेयरपर्सन अछंती निर्मला सीतारमण। ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर, निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, हु रूट द बुक वार एंड ओमेन। वार एंड ओमेन पुस्तक किए लिखिचंती, वार एंड ओमेन पुस्तक लिखिचंती एम ए हासन। एटा होची लाटेस्ट आमर पुस्तक जहाँकि एम ए हासन लिखिचंती। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, व्हिच प्लानेट इज नासा ट्रेनिंग फोर पीपल टू लिव ऑन इन जून 2023। से कहि नासा ट्रेनिंग पाई चारज साइंटिस्ट को पठाऊ जून 2023। तो से प्लानेट रे रहिबे, तो से रहिबे मार्स प्लानेट रे। ऑप्शन नंबर बी होच करेक्ट आंसर, मार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, हु ओन हेयर फर्स्ट मियामी ओपन क्राउन रिसेंटली। रिसेंटली मियामी ओपन क्राउन प्रथम विजेता किए, प्रथम मियामी ओपन क्राउन विजेता किए से पचारि। तो करेक्ट आंसर होच ऑप्शन नंबर ए, पेट्रा क्विटोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, हु टुक ओवर एज द 40th प्रेसिडेंट ऑफ द फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। तो आमर फिक्की रो लेडीज ऑर्गेनाइजेशन रो लेडीज ऑर्गेनाइजेशन रो 40th प्रेसिडेंट किए दायित्व ग्रहण कले। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुधा शिव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, व्हिच इंडियन प्लेयर रिसेंटली कंप्लीटेड हिज 5000 रन्स इन आईपीएल। तो आईपीएल रे रिसेंटली को प्लेयर 5000 रन कंप्लीट कर, आईपीएल रे 5000 रन कंप्लीट कर रिसेंटली महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, सलीम दुरानी हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज रिलेटेड टू व्हिच फील्ड। तो सलीम दुरानी रिसेंटली मृत्युबरण करछंती, से क्यों खेल सहित संपर्कित बा क्यों फील्ड सहित संपर्कित। से जने क्रिकेटर थिले जे कि फास्ट अर्जुन अवार्ड पाइथिले स्पोर्ट्स रे बा क्रिकेट रे फास्ट अर्जुन अवार्ड पाइथिले। नेक्स्ट रही, विथ व्हिच कंट्री इंडिया इज पार्टिसिपेटिंग इन द स्लिनेक्स 2023 मेरीटाइम एक्सरसाइज।
तो से कहे इंडिया कौ देश सहित 2023 स्लिनेक्स मैरिटाइम एक्सरसाइज को पार्टिसिपेट करितिला तो इंडिया एंड श्रीलंका ऑप्शन नंबर बी होच करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज बिकम द फास्टेस्ट इंडियन टू टेक 50 विकेट्स इन आईपीएल हिस्ट्री तो आईपीएल इतिहास रे 50 विकेट सबुठारु द्रुत गति रे किए नेछंती तो फास्टेस्ट इंडियन होछंती खलील अहमद ये आमर दिल्ली कैपिटल्स रो फास्ट बॉलर से रिसेंटली 35 मैच रे 50 विकेट नहीं चंते। या पूर्वरु अमित मिश्रा का रिकॉर्ड थिला अमित मिश्रा 37 मैच रे 50 विकेट नहीं थिले वर्तमान ये 35 मैच रे 50 विकेट नहीं चंती खलील अहमद फ्रॉम दिल्ली कैपिटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो आरबीआई रो वर्तमान नुआ ईडी रूपे किए निजुक्ति होती नुआ ईडी बा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनी नीरज निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच स्टेट हैज टॉप्ड द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 रे क्यों राज्य टॉप करिछि टॉप अछि कर्नाटक ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु ओन द दिल्ली इंटरनेशनल ओपन चेस टाइटल इन मार्च 2023 मार्च 2023 रे दिल्ली इंटरनेशनल ओपन चेस टाइटल विजेता किए तो ये हमर करेक्ट आंसर है जीव ऑप्शन नंबर बी अरविंद चिदंबरम ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच सोलार पावर्ड विलेज बिकम इंडियाज फर्स्ट नेट जीरो एनर्जी कम्युनिटी तो कौ सोलार पावर्ड विलेज वर्तमान इंडिया रा प्रथम नेट जीरो एनर्जी कम्युनिटी बनी तो ये करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी मधेरा गुजरात रो मधेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच के पॉप ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ एन ओडिया मेंबर विल बी परफॉर्मिंग इन 2023 मेन्स एफआईएच हॉकी वर्ल्ड कप इनॉग्रेशन सेरेमनी तो आमर हॉकी वर्ल्ड कप 2023 मेन्स हॉकी वर्ल्ड कप आम ओडिशा रे आयोजित होता तो से आमर जो वर्ल्ड कप इनॉग्रेल सेरेमनी बा उद्घाटन समारोह होता से के पॉप ग्रुप को डका जाइला से जन ओडिया मेंबर थे तो से के पॉप ग्रुप ना कौन से पचार के पॉप ग्रुप ना हूँ ब्लैक स्वान ओडिया थिले श्रेया लेंका। नेक्स्ट रही व्हिच स्टेट्स निजात कैंपेन गेट्स द आईएसीपी 2022 अवार्ड तो क्यों राज्यर निजात कैंपेन आईएसीपी 2022 अवार्ड जीति तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन रही यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड जुआरी ब्रिज इन व्हिच स्टेट और यूटी ऑफ इंडिया तो जुआरी ब्रिज को आमर राज्य आमर केंद्रीय परिवहन एवं हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी इनॉग्रेट करछंती जुआरी ब्रिज सेटा को राज्य बा केंद्र शासित अंचल रे अछि तो जुआरी ब्रिज रे आमर रहिछि गोवार जुआरी रिवर उपरे निर्माण करा जायछि जहाँ को वर्तमान मनोहर सेतु मध्य कहा जाए मनोहर सेतु कहीं पूर्व आमर मनोहर पारिकर गुआर सीएम थिले तांको नारे मनोहर सेतु मध्य रखा जाइछि जुआरी ब्रिज रे अन्य ना होची मनोहर सेतु। नेक्स्ट रही इंडियाज फास्ट अंडर व्वाटर मेट्रो विल बी कमिशन इन व्हिच सिटी एग्जाम पे इंपोर्टेंट रही जो माने कि आज जो मानकर कंबाइंड आज जो मानकर कंबाइंड एग्जाम रही आग को जो मानकर कंबाइंड ओएसएस रो कंबाइंड एग्जाम अच्छे से मानक इंपोर्टेंट रही तो इंडिया फास्ट अंडर व्वाटर मेट्रो आमर कौटी कमिशन कराला ये आम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच स्टेट कमन्स इंडियाज फर्स्ट नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट तो इंडिया रा प्रथम नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट को किए आरंभ कला तो करेक्ट आंसर होचे ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इज द फर्स्ट फीमेल ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड इन द सियाचेन बैटलफील्ड तो सियाचेन बैटलफील्ड पाई निजुक्ति पाई थी प्रथम महिला ऑफिसर किए तो फर्स्ट फीमेल ऑफिसर होचंती
शिवा चौहान। ऑप्शन नंबर डी होज करेक्ट आंसर शिवा चौहान। तो ये 50 क्वेश्चन रही है, आपने आउट ऑफ 50 केते स्कोर रखुं कमेंट बॉक्स रे निहाती भावे जनाई पारिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज इनॉगरेटेड द सियोम ब्रिज इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉगरेट कर सियोम ब्रिज, सेटा कौ स्टेट्र अच्छी। सियोम ब्रिज अच्छी आमर अरुणाचल प्रदेश रे रही। ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन व्हिच स्टेट इज द सांगाई फेस्टिवल बीइंग सेलिब्रेटेड। तो सांगाई फेस्टिवलटा कौ स्टेट रे पालन करा जाए। तो रिसेंटली आमर सांगाई फेस्टिवल पालन करा जाई मणिपुर रे। ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही बेले सस्पेंशन ब्रिज हैज बीन इनॉगरेटेड इन व्हिच स्टेट और यूपी। तो बेले सस्पेंशन ब्रिज आमर हो जम्मू काश्मीर। तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर। तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जम्मू काश्मीर आमर बेले सस्पेंशन ब्रिज रही। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु बिकम द फास्ट बोलर टू टेक ए हैट्रिक इन द ओपनिंग ओवर एट रणजी ट्रॉफी। तो रणजी ट्रॉफी रे हैट्रिक विकेट ओपनिंग ओवर रे किए नहीं। तो ओपनिंग ओवर रे हैट्रिक विकेट हासिल कर जयदेव उन्नाडकट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल आंबेडकर ए लाइफ। आंबेडकर ए लाइफ नामक पुस्तक किए लिखिंट। आंबेडकर ए लाइफ नामक पुस्तक को लिखिंट ये ना शशि थरूर। ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द वर्ल्ड्स फर्स्ट म्यूजियम ऑफ पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट हैज बीन इनॉगरेटेड इन व्हिच स्टेट। तो से कौच विश्वर प्रथम तालपत्र लिखित मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम को कौट इनॉगरेट कर वर्ल्ड फर्स्ट म्यूजियम ऑफ पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट हैज बीन इनॉगरेटेड इन केरल। ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इंडियन स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट फुल्ली डिजिटल बैंकिंग स्टेट। तो से कौची इंडिया प्रथम फुल्ली डिजिटल बैंकिंग स्टेट कौटा बनला। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इंडियन एथलीट हैज ओन द अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वाश टाइटल रिसेंटली। रिसेंटली अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वाश टाइटल विनर इंडियन एथलीट किए। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी अनहत सिंह। अनहत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज बिकम द फास्टेस्ट प्लेयर टू रीच 1500 रन्स इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इन टर्म ऑफ बॉल पेस। माने कम बॉल खेलिकी कम बॉल खेलिकी T20 इंटरनेशनल मैच रे 1500 रन संग्रह करथिबा प्रथम बैट्समैन किए। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ इंडिया टू फ्लाई सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट। तो सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट को उड़ान भरथिबा प्रथम महिला इंडियन पायलट किए। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु वाज ऑनर्ड विथ डॉक्टर पतंग राव कदम अवार्ड। तो डॉक्टर पतंग राव कदम अवार्ड विजेता किए। डॉक्टर पतंग राव कदम अवार्ड विजेता होती अदर पुनावाला जी कि सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जहाँकि आमर कोविड वैक्सीन कोविशील्ड बनता दि जा डॉक्टर पतंग राव कदम अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द मास्कट ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम 2022। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 रो मास्कट कौन से पचार। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 रो मास्कट होची आशा। ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन व्हिच सिटी ऑफ इंडिया इन व्हिच सिटी इंडिया फर्स्ट ड्रोन स्किल ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस वाज इनॉगरेटेड। तो से कौची इंडिया रो प्रथम ड्रोन स्किल ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस कौटी इनॉगरेट करागला। इंडिया रो प्रथम ड्रोन स्किल ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस आमर इनॉगरेट करा जायछि तमिलनाडु चेन्नई रे। ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप व्हिच इंडियन सॉन्ग हैज ओन द बेस्ट सॉन्ग अवार्ड एट द गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023। तो 2023 रो गोल्डन ग्लोब अवार्ड रे बेस्ट सॉन्ग अवार्ड क्या दि जाए। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर
ଆସିଛି ନାଟୁ ନାଟୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ହୁ ହେଜ୍ ଓନ୍ 71st ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ 2022 କ୍ରାଉନ୍ ରିସେଣ୍ଟଲି। ତ ରିସେଣ୍ଟଲି 71st ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଆୱାର୍ଡ଼ 2022 ର ୱିନର ହେଉଛନ୍ତି ଆର୍ ବୋନି ଗେବ୍ରିଏଲ୍। 71st ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ 2022 ଟାଇଟଲ ୱିନର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ୱେର୍ ଡଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଙ୍କ୍ ଇନ୍ ଦ ହେନ୍ଲେ ପାସପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫର 2023। 2023ର ହେନ୍ଲେ ପାସପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଇଣ୍ଡିଆର ରେଙ୍କ୍ କେତେ? ତ ଇଣ୍ଡିଆର ରେଙ୍କ୍ ହେଉଛି 85th, 85 ନମ୍ବର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ହ୍ୱିଚ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ପବ୍ଲିସେସ୍ ଦ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ରିସ୍କ ରିପୋର୍ଟ 2023। ତ 2023ର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ରିସ୍କ ରିପୋର୍ଟକୁ କିଏ ଜାରି କରିଛି? 2023 ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ରିସ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପବ୍ଲିଶ କରିଛି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ୍ ଫୋରମ। ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ୍ ଫୋରମ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆମେରିକାନ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଆୱାର୍ଡେଡ୍ ଦ ମାର୍ଟିନ୍ ଲୁଥର୍ କିଙ୍ଗ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ୟାରାଡ଼େ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼। ତ କେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆମେରିକାନ୍ ରିସେଣ୍ଟଲି ମାର୍ଟିନ୍ ଲୁଥର୍ କିଙ୍ଗ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ୟାରାଡ଼େ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛି? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି, କ୍ରିଷ୍ଣା ବାବିଲାଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ୍ ଇଜ୍ ଡିକ୍ଲେୟର୍ଡ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ବାଇ ୟୁଏନ୍। ତ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ରିସେଣ୍ଟଲି କାହାକୁ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା, ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଅବଦୁଲ ରେହମାନ ମକ୍କି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ହୁ ହେଜ୍ ବିନ୍ ଅନର୍ଡ ୱିଥ୍ ଦ ହାଏଷ୍ଟ ସିଭିଲିଆନ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଆସାମ ଫର୍ ଦ ଇୟର୍ 2023 ଆସାମ ବୈଭବ। ତ ସେ କହୁଛି ଆସାମର ହାଏଷ୍ଟ ସିଭିଲିଆନ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଆସାମ ବୈଭବ। ତ 2023ରେ ଆସାମ ବୈଭବ ପୁରସ୍କାରରେ କାହାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଡକ୍ଟର ତପନ ସାଇକିଆ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ପିଏମ୍ ମୋଦି ଇନାଗୁରେଟେଡ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡସ୍ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରେଲୱେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇନ୍ ହୁବଲି ଟୁ ଡ୍ୟାସ୍। ତ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୱାର୍ଲ୍ଡର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ରେଲୱେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଇନାଗୁରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା କେଉଁଠୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି? ସେଇଟା ହୁବଲି ଟୁ ଧାରୱାଡ଼। ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ହୁ ହେଜ୍ ବିନ୍ ନେମ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ମୋଷ୍ଟ ଭାଲ୍ୟୁଏବଲ୍ ସେଲିବ୍ରିଟି ଅଫ୍ 2022। 2022ରେ ଇଣ୍ଡିଆର ମୋଷ୍ଟ ଭାଲ୍ୟୁଏବଲ୍ ସେଲିବ୍ରିଟି କିଏ ନାମିତ ହୋଇଛନ୍ତି? ତ ଏଇଠି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ରଣବୀର ସିଂ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରେଲୱେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇନ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ତ ସେ କହୁଛି ୱାର୍ଲ୍ଡର ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ରେଲୱେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କେଉଁଟା ବନିଲା? ତ ଏଇଠି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ହୁବଲି। ସେଇଠି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ହୁବଲି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଅଛି। ହୁବଲି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାର୍ଲ୍ଡର ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ବନିଛି। ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ହୁବଲି ଜଙ୍କସନ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ହୁବଲି ଜଙ୍କସନ୍, ଯାହାକି ତା'ର ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ସିଦ୍ଧାରୁଦ୍ଧ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଷ୍ଟେସନ୍ ଇନ୍ ହୁବଲି, କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ଏଇଟା ୱାର୍ଲ୍ଡର ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଆଉ ଏହାର ଲେନ୍ଥ ହେଉଛି 1.5 କିଲୋମିଟର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ହୁ ହେଜ୍ ବିକମ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍। ତ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ କିଏ ବନିଲେ? ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ବନିଛନ୍ତି ସୁରେଖା ୟାଦବ, ଯିଏକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ବା ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଟ୍ରେନ୍ ଚାଳକ ସୁରେଖା ୟାଦବ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍। ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ହୁ ହ୍ୟାଜ୍ ରିସେଣ୍ଟଲି ବିକମ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଟୁ କମାଣ୍ଡ ଏ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ କମ୍ବାଟ୍ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସ? ସେଇଠି ପଚାରିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସର ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ କମ୍ବାଟ୍ର ପ୍ରଥମ ମହିଳା କମାଣ୍ଡ କିଏ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରୂପେ କିଏ କମାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ସାଲିଜା ଧାମି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ହୁ ରିସେଣ୍ଟଲି ବିକମ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫିମେଲ୍ ଅମ୍ପାୟାର ଟୁ ଅଫିସିଏଟ୍ ଏ ମେନ୍ସ T20 ମ୍ୟାଚ୍? ତ ଆମର ମେନ୍ସ T20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଅମ୍ପାୟାର ରୂପେ କିଏ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି? ତ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଅମ୍ପାୟାର ହେଉଛନ୍ତି T20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି
किम कॉटन फ्रॉम न्यूजीलैंड। रिसेंटली न्यूजीलैंड एंड श्रीलंका मध्य T20 मैच चली थी, तो से प्रथम महिला अंपायर रूपे T20 मैच रे जोग देते किम कॉटन। तो फ्रेंड्स ये टोटल 50 क्वेश्चन, तो आप आउट ऑफ 50 के स्कोर रखिंट आप कमेंट बॉक्स रे निहाती भावे जन पारे। जदि भिडियो भल लगुच गोटे लाइक करेंगे, ता सहित तो अधिक रु अधिक मात्रा कृपया सांगसाथी मानक निहाती भावे शेयर करेंगे। आउ जो मैंने आम चैनल नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करूँ, ऑल बेल आइकन को क्लिक करूँ, जहाद्वारा आप समस्त वीडियो नोटिफिकेशन पाई। तो फ्रेंड्स जय हिंद, जय जगन्नाथ।